सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। किसी भी बंदर को हार्ट अटैक नहीं आता। बंदर तो आपके नजदीक है ना, शरीर रचना में बस बंदर और आप में एक ही अंतर है कि उसको पूछ है, आपको नहीं है। बाकी सब कुछ एक ही है, आपका हृदय बंदर का हृदय, आपका लीवर बंदर का लीवर, आपकी किडनी बंदर की किडनी, सब कुछ समान है। मां का गर्भाशय बंदरिया का गर्भाशय सब समान है, एक ही अंतर है, उसको पूछे आपको नहीं है। तो ये बंदर को कभी भी डायबिटीज नहीं, आर्थराइटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग, वो रहते हैं कर्नाटक में, कर्नाटक में एक उडुपी नाम की जगह है, वहां रहते हैं। बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा गहरा रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, माने 15-16 साल उन्होंने एक रिसर्च किया कि बंदर को बीमार बनाओ, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिकों से यह सुन रखा है कि बंदर बीमार नहीं होता, और बीमार होगा तो मरेगा ही, जीवित नहीं रहेगा, तो बंदर को बीमार बनाओ। तो उन्होंने तरह तरह के वायरस और बैक्टीरिया बंदर को डालना शुरू किया, कभी इंजेक्शन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। वो कहते हैं कि मैं 15 साल असफल रहा, बंदर को कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा कि आपने ये बता दिया कि ठीक है बंदर को कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि उसके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दूं, बढ़ता ही नहीं। तब उन्होंने एक दिन रहस्य की बात बताई, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि बंदर का जो ब्लड है ना, उसका आरएच फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श है। और आपका आरएच फैक्टर जब नापता है ना कोई डॉक्टर, तो बंदर से ही कंपेयर करता है, वो बताता नहीं आपको, ये अलग बात है, कंपैरिजन बंदर से ही होता है। कारण उसका है कि उसको कोई बीमारी आ नहीं सकती, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं, ट्राइग्लिसराइड कभी बढ़ता नहीं, डायबिटीज कभी होती नहीं, शुगर कितनी भी बाहर से इंट्रोड्यूस करो उसके ब्लड में टिकती नहीं। तो वो प्रोफेसर साहब कहते हैं यार ये सब एक ही चक्कर है कि बंदर सवेरे ही सवेरे भरपेट खाता है, जो आदमी नहीं खा पाता। तो वो प्रोफेसर रविंद्रनाथ शानबाग ने कुछ अपने मरीजों को कहा कि देखो भैया बंदर की तरह से खाओ, माने सुबह सुबह भरपेट खाओ। तो उनके कई मरीज हैं जिन्होंने पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वो मरीज बताते हैं कि जब से उन्होंने सुबह भरपेट खाना शुरू किया, किसी की डायबिटीज माने शुगर कम हो गई, किसी का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, किसी के घुटने का दर्द कम हो गया, किसी के कमर का दर्द कम हो गया, किसी का कुछ गैस बनना बंद हो गई, पेट में जलन होना बंद हो गई, नींद अच्छी आने लगी, वगैरह वगैरह सारे इंप्रूवमेंट वो बोलते हैं होते हैं। तब से वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, और ये बात भागवत जी 3,500 साल पहले कहते हैं कि सुबह का खाना सबसे अच्छा, माने सबसे ज्यादा खाना है, सबसे अच्छा खाना है, जो भी स्वाद आपको लगता है वो सुबह ही खाइए। तो सुबह का खाना फिक्स करिए, समय तय करिए। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।